अब हर खबर से रहिए बाखबर, देखिए खबरों की 2020 सिर्फ फिक्र खबर पर। कर्नाटक में सियासी बहरान में नया मोड़, स्पीकर के फैसले से बागियों को लगा बड़ा झटका। नौ का इस्तीफा स्पीकर ने किया नामंजूर, स्पीकर के फैसले से हुक्मरा महाज के हौसले बुलंद। स्पीकर के फैसले से बीजेपी में बड़ी बेचैनी, येडियुरप्पा ने कुमार स्वामी के इस्तीफे की मांग की। विधानसभा के बाहर आज बीजेपी ने बनाया धरना प्रोग्राम, गवर्नर और स्पीकर से भी मुलाकात करेगी बीजेपी। स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बागी अराकीन, हुकूमत के दबाव में इस्तीफा मंजूर न करने का स्पीकर पर लगाया इल्जाम, कल सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई का इम्कान। मुंबई के होटल में बागी अरकान असेंबली से मुलाकात के लिए पहुंचे डीके शिवकुमार को पुलिस ने होटल में दाखिले की नहीं दी इजाजत। बागी लीडरान के हामियों ने गो बैक के लगाए नारे, बागी लीडरान ने सिक्योरिटी के लिए मुंबई पुलिस को लिखी थी चिट्ठी। डीके शिवकुमार ने बीजेपी पर लगाया साजिश का इल्जाम, होटल में कमरा बुक होने के बावजूद दाखिले की इजाजत न देने पर जताई नाराजगी। बेंगलुरु में जेर तामीर इमारत मुनहदिम होने से एक हलाक, नव लोगों को रेस्क्यू टीम ने निकाला बाहर, राहत बचाव का काम जारी। टेरर फंडिंग मामला, अलाहिदगी पसंद रहनुमा आसियाबी पर एनआईए का शिकंजा, आसियाबी के घर को किया गया अटैच। यूपी के कानपुर में 7 महीने से बंद चमड़ा फैक्ट्री खोलने की योगी सरकार ने दी मशरूत इजाजत, फैक्ट्री मालिकान को एनजीटी की तरफ से तयशुदा मैयारों पर अमल करने की रखी शर्त। पहलू खान मॉब लिंचिंग मामला, मकतूल के बेटों पर दायर मुकदमे की दोबारा जांच करेगी राजस्थान पुलिस, चार्जशीट में मकतूल के बेटों का नाम दाखिल कर तनाजे में गिरी थी राजस्थान सरकार। झारखंड के बोकारो में 60 साल मुस्लिम शख्स पर हमला, जय श्री राम नारा लगाने को मजबूर किया गया, पुलिस ने हमलावर शरपसंद को किया गिरफ्तार। बजट पर अपोजिशन की तरफ से उठाए गए सवालों का आज निर्मला सीतारमन देंगी जवाब, बीजेपी ने सभी अरकान पार्लियामेंट को व्हिप जारी कर हाजिर रहने की दी हिदायत, गुज़िश्ता रोज बजट पर उठाए गए थे कई सवाल। ओएसी ने अकलियती वजारत के बजट में कमी पर उठाए सवाल, बोले मनसूबाबंद तरीके से मुसलमानों को पीछे रखने की साजिश, पूछा जब बजट ही नहीं तो कैसे 1 करोड़ तलबा को स्कॉलरशिप देगी सरकार। मुल्क भर में सीबीआई का छापा, 19 रियासतों के 110 मकामात पर की गई छापामार कार्रवाई, फर्जी तरीके से 980 करोड़ की जमीन खरीदारी का मामला। मॉब लिंचिंग की रोकथाम के लिए योगी सरकार का कदम, अब गाय ले जाने वालों को सर्टिफिकेट फराहम करेगी सरकार, दानिश्वरा ने कौम का सवाल, क्या एक सर्टिफिकेट भीड़ को हुजूमी तशद्दुद से रोक पाने में रहेगी असरदार। मगरबी बंगाल के हावड़ा में हनुमान चालीसा के बहाने फिरकावाराना कशीदगी फैलाने की कोशिश, सड़क पर बैठकर पड़ा हनुमान चालीसा का पाठ, करीब 1 घंटे तक सड़क को किया गया बंद। इजाफी टैक्स मामले में ट्रंप की हिंदुस्तान को फिर धमकी, कहा टैक्स में इजाफा अब और नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। G20 समिट में भी ट्रंप ने मामले पर वजीर आजम मोदी से की थी बातचीत। मोदी के गुजरात मॉडल की फिर से खुली पोल, पिछले 5 साल में सरकारी मुलाजमतों में 85% की आई गिरावट, 2017 से 2018 के दरमियान सिर्फ 3,500 अफराद को दी गई मुलाजमत। दोहा में अफगान अमन मुजाकरात में तालिबान और अफगान वफद के दरमियान अमन के लायहा अमल पर इत्तिफाक, फरीकैन की इस्लामी उसूलों के एहतराम, सरकारी इदारों पर हमले रोकने और सख्त बयानात न देने पर रजामंदी का इजहार। आज हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा सेमीफाइनल का बाकी बचा खेल, कल बारिश की वजह से रोका गया था मैच, आज भी बारिश के आसार, खेल न होने पर हिंदुस्तान होगा फातह।